आवाज कम नहीं करना बोलूंगा। आपकी आवाज कम नहीं है, आपकी आवाज है, लेकिन आपने बोला मैं इतना बोलूंगा सुशील पंडित के कानों से खून निकल जाएगा। इनकी आंखों से तो खून निकल गया था 30 साल पहले। अरे फासिस्ट रेजिम के कानों में खून खराबे की आदत है, जो हमारे देश का कत्ल करना चाहते हैं संविधान का, उनके कानों से खून निकल गया। खामोश नहीं बैठेंगे क्या करते हैं इसको, तो खून खराबे की आदत है, खून खराबा देखना चाहता है। आज तो पूरा देश खून खराबे पर आमादा है, पूरा देश रस्ते पर नेता फड़क रहा है कि खून खराबा किस तरह कर लिया तुमने। कब तक खून खराबे की ही आदत है? अरे खून खराबा तो मोदी और अमित शाह चाहते हैं देश में, खून खराबा ही देखने की आदत कर रहे हैं, चाहते हैं इस देश में खून खराबा हो, संविधान को बचाना है, खराबे के आधार पर ये देश तोड़ा गया था, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, खून खराबे का डर दिखा करके। बारिश शांत रहिए, बारिश प्लीज शांत रहिए, मेरी रिक्वेस्ट कुमारी आपको ऑडियो पे, हियर हियर सुशील पंडित फॉर 20 सेकंड, देन यू रिस्पोंड, देन शर्मा उसे नहीं है सुनने का। बोलो, ये कहते हैं कि मजहब की बुनियाद पर कुछ नहीं होता है इस देश में, माइनॉरिटी मजहब की बुनियाद पे तय होती है कि नहीं होती है। अरे इस देश में बजट, इस देश के बंटवारा मजहब की बुनियाद पर हुआ था, इस देश के दाएं बाएं मजहब की बुनियाद पर लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। मजहब ही है जिसकी वजह से हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी कातिल था, सताए जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, टेररिस्ट था, इसीलिए इस देश में पनाह दी जा रही है उन मजहब की बुनियाद पर सताए गए लोगों को। सुशील पंडे और आप परेशानी है, शर्त आपको आनी चाहिए थी कि मजहब की बुनियाद पर जो मुल्क बना है वहां मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क की माइनॉरिटीज को परेशान किया जा रहा है, इस पर आपको शर्मसार होना चाहिए था। लेकिन आप इतना बोलो, इतना सीना जोड़ी मुल्क तोड़ने के बाद मजहब की बुनियाद के बीच में कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बुनियाद पर वहां लोगों को सताया गया है मेरा, और आज आप कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद, मजहब की दुनिया, मजहब की बुनियाद पे मेरे देश को बांटने की कोशिश नहीं करना है। अरे आज देश का युवा निकला रास्ते पे, देश की महिलाएं रास्ते पे उतरी है, चाइन बाग में जाकर देखो बुरी औरतें रास्ते पे उतरी है, 60 डिग्री टेम्परेचर में लोग बैठे हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर की ठंडी में आप मजहब की दुनिया ठंडी में लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं, सलाम मजहब की बुनियाद पर ही लोगों को वारिस पटा रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए इतनी ठंडी में रस्ते को उतरे। मजहब है, आप तासुबी लोग हैं, आपकी पार्टी का नाम मजहबी पार्टी है, आप कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मजहब है, आप मजहब की बुनियाद पर है। सुशील यू मेड यू पॉइंट, एक सेकंड, बारिश शांत बैठना पड़ेगा, पिछले 7 मिनट से आप बोल रहे हैं, 7 मिनट से पानी पीजिए, आप आरएसएस की, आपकी आंखें लाल हो गई है बोलते बोलते। पंडित आपको ये शर्म आनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक मजहब सुशील पंडित को ये गोडसे की बुनियाद पर वोट मांगते हैं, शाहनवाज हुसैन और आसिफ मोहम्मद खान, आसिफ मोहम्मद खान और शाहनवाज हुसैन, होल्ड ऑन, वेलकम टू यू शाहनवाज जी, ऐसा क्यों है कि आप समझा नहीं पा रहे, ऐसी क्या कमी रही आपकी सरकार की आप समझा नहीं पा रहे, बार बार समझा नहीं पा रहे, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में से एक हैं, माफ करिए मैंने कभी आपके धर्म के नाम का इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन आप भी अखिलियत में से आते हैं, क्यों नहीं समझा पा रहे आप, ये क्यों नहीं समझना चाहते, कोई कुर्बानी की बात कर रहा है, कोई कातिल की बात कर रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या करिएगा? देखिए अमित जी, बात यह है कि अभी तो रजाकारों का हमला हो रहा था आपकी टीवी पर, आप जानते हैं कि 40s में रजाकार थे जो हिंदुओं को मारने पे तुले थे, और उसी पार्टी का नाम बदल के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रख दिया गया, और किस तरह की जबान बोली गई, कहा गया इतना जोर से बोलेंगे कि कान से खून निकल जाएगा। और हमारे जो यहाँ पंडित जी बैठे हैं, खुदा के शुक्र है उनके कान से खून नहीं निकला, लेकिन किस तरह की जबान है, देखिए डिबेट में भी खून की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो मोहब्बत वाले लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी और कुछ विपक्ष के नेता हिंदू और मुसलमान को लड़ाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करते हैं। हम जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी एक नेता ने बोला कि पुलिस ने इन लोगों को डैश की तरह मारा, क्या वो सही था? दिलीप घोष की मैं बात कर रहा हूं, जो भी एकदम गलत था, क्यों नहीं था ये शाहनवाज कैसे हासिल करेंगे आप? मैं बीजेपी दूसरी जुबान बोलता हूँ, जिम्मेदारी से बोली शाहनवाज हुसैन, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की, मैं जिम्मेदारी से शाहनवाज हुसैन के नाते नहीं, मेरी पार्टी ने आपके डिबेट पर मुझे भेजा है, उसके तर्जमान के तौर पर कहता हूं, हमारे यहाँ ये भाषा
न भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, न ये भाषा बोला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की भाषा है, न नरेंद्र मोदी जी की भाषा। शांत रहिए, भाषा किसी को नहीं बोलनी चाहिए। शांत रहिए, सवाल का जवाब तो दे रहे कम से कम। हाँ हम जी जी शाहनवाज बोलिए। हम जिम्मेदारी से अमित जी कहते हैं, ये डिबेट आपका बहुत देखा जाता है और ये डिबेट को अभी